नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं INN 24 न्यूज। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के छात्र छात्राओं के साथ ही छत्तीसगढ़ के कई स्कूल के छात्र छात्राओं से वर्ष 2022 में जो परीक्षा आयोजित की जा रही है, इसी को लेकर नई पीढ़ी को आशीर्वाद देने के लिए बातचीत की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रायपुर केंद्रीय विद्यालय डीडी नगर में छात्र छात्राओं और कक्षा के शिक्षकों एवं परिजनों ने पीएम के संवाद को प्रोजेक्टर पर लगाकर सुना। स्टूडेंट्स ने नई शिक्षा नीति से जुड़े प्रश्न भी पूछे। स्टूडेंट्स ने पूछा कि कई बार हमारी रुचि कुछ और होती है और हम कुछ और पढ़ रहे होते हैं, नई शिक्षा नीति इस समस्या को कैसे हल करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि असल में यह नई शिक्षा नीति नहीं, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की न्यू एजुकेशन नीति है। कई लोग इसे नई शिक्षा नीति बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में विद्यार्थियों को एग्जाम के तनाव से बचने के उपाय बताए। पीएम मोदी ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत की शुरुआत में कहा कि कोरोना के कारण पिछले साल आपसे मिल नहीं पाया, लेकिन इस बार मिलकर अच्छा लग रहा है। परीक्षा से पहले भय और नंबर कम आने से जुड़े प्रश्नों पर पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा जीवन का सहज हिस्सा है, यह आपकी विकास यात्रा का हिस्सा है। आप कई बार एग्जाम दे चुके हैं, परीक्षा के अनुभवों को अपनी ताकत बनाएं, तो आप करते हैं उसमें विश्वास भरें। परीक्षा जीवन का एक पड़ाव भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर साल 10वीं और 12वीं के बच्चों को परीक्षा पे चर्चा के द्वारा बोर्ड एग्जाम कैसे देना है, क्यों देना है, सारी चीज़ों को बताया जाता है और टेंशन फ्री होकर कैसे एग्जाम दें इजीली, इस पर भी बताया जाता है। और अब इस बार ऑनलाइन से ऑफलाइन की ओर जा रहे हैं, तो इस पर भी प्रधानमंत्री जी लगातार हमें मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। अभी जो परीक्षा है समझ भी आ रहा है, इसी कारण से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।